बुरहानपुर की निमाड़ रेंज के डीआईजी चंद्रशेखर सोलंकी ने आगामी विधानसभा चुनाव के चलते बुरहानपुर जिले का वार्षिक निरीक्षण किया। सर्वप्रथम डीआईजी रेणुका पुलिस लाइन पहुंची, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद जिले के अंतुरली चेकपोस्ट, लोनी चेकपोस्ट समेत तमाम थाने भी वो पहुंची और उन्होंने तमाम थानों का निरीक्षण किया। इसके बाद डीआईजी चंद्रशेखर आजाद ने वाहन शाखा के वाहनों समेत सभी थानों के शासकीय भवनों का भी निरीक्षण किया। वहीं डीआईजी ने बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां पुख्ता रखने के इंतजाम की बात भी कही। उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण और संपन्न किए जाने चाहिए और इसके लिए सभी अधिकारियों को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आज माननीय डीआईजी खरगोन ने श्री चंद्रशेखर सोलंकी साहब का एक वार्षिक निरीक्षण भी था। उन्होंने पुलिस लाइन का भ्रमण किया है, हमारे समस्त थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, एसडीओपी वगैरह सबकी बैठक भी ली है। पुलिस लाइन में एमटी का भी उन्होंने व्हीकल्स वगैरह का भी निरीक्षण किया है, साथ ही लर्निंग सेंटर का किया है। शिकारपुरा थाना, शाहपुर थाना और चुनाव को दृष्टिगत रखते बॉर्डर पे इंटरस्टेट बॉर्डर की जो चेक पोस्ट वगैरह हैं, अंतुली है, होता है और अन्य भी चेक पोस्ट वगैरह चेक की है। कुल मिला के आने वाले त्यौहार, आने वाला इलेक्शन और वार्षिक अपराधों की समीक्षा, ऐसा एक वृहद स्तर पर उन्होंने निर्देश भी जारी किया और बेहतर तरीके से चुनौतियों से कैसे निपटें और अपने कार्यप्रणाली को कैसे और उत्तरोत्तर गुणवत्तापूर्ण करें इसके बारे में